हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर क्रिकेट और अब आशीष राठी पे। कैसे आप सब लोग गाइस? रेनी सीजन आने वाला है, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सीजन? गाइस, रेनी सीजन क्रिकेटर्स के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। बहुत सारे लोग इसको वेस्ट कर देते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स इनिशियल फेजेस में, मैंने भी ये सीज़न को बहुत वेस्ट किया है। अगर आपके एकेडमी ये सीज़न को वेस्ट कर देती है तो आपके लिए स्पेशल कैंप रखा गया है। गाइस, बैट्समैन के लिए कैंप है और स्पेशली ए और बी डिवीजन वाले प्लेयर्स के लिए कैंप है जो एक जगह पे स्टक है, काफ़ी समय से एक जगह पे स्टक है। पर्सनल कैंप है, चार ही लड़के लूँगा मैं, चार ही लड़कों की सीट्स रहेंगी और बहुत स्पेसिफिक कैंप रहने वाला है। इसमें अपन वर्क करेंगे। जो लड़के ए डिवीजन बी डिवीजन खेल रहे और चाहते कि मैं डोमिनेट करूँ यार, पर हो नहीं रहा। ए डिवीजन खेल रहे, मौका मिलता है, फिर बाहर बैठते प्लेइंग से, फिर वापस मौका मिलता है और वैसे ही चलते आ रहा है दो तीन साल से, और आप एक जगह पे स्टक है। आपको आगे के लेवल जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनके खिलाफ डोमिनेट नहीं करते आना नहीं आ रहा है वो, तो वो उसके लिए ये सेशंस रहने वाले हैं, उसके लिए कैंप रहने वाला है। और इसमें 10 पर्सनल कोचिंग सेशंस रहेंगे मेरे साथ में, क्रिकेट के स्पेसिफिकली। फिर उसके अलावा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के सेशंस रहेंगे क्रिकेट पर्सनल क्रिकेट कोचिंग में, जो जो अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली अपन इम्प्रूवमेंट करने वाले। कोई टेक्निकल फ्लॉ है तो ये ऑफ सीजन में ही हो सकता है। रेनी सीज़न में आप पूरा अपने टेक्निकल फ्लॉ से मतलब एकदम ज़बरदस्त बन सकते हैं, मेन सीज़न में नहीं हो सकता है। अगर आप बैटिंग कर रहे हो और मैच भी आ रही, प्रैक्टिस कुछ टेक्निकल चेंजेस कर रहे हैं, कुछ भी इंप्रूवमेंट कर रहे हो और मैच आ रही, फिर आपका मन लगता है सपोज स्वीप शॉट की प्रैक्टिस कर रहा हो, रेगुलरली कर रहा हो और मैच आ रही और आपने अब तक स्वीप शॉट पकाया नहीं है और डायरेक्ट मैच में मैं एग्जीक्यूट कर जाऊँगा तो प्रॉब्लम है। तो कोई भी अगर बहुत बड़े चेंजेस करने हैं तो वो ऑफ सीज़न में ही करने हैं जो भी है। तो ऑफ सीज़न को बहुत अच्छे से अगर इस्तेमाल कीजिए टेक्निकली बेटर बनने के लिए। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी इंक्लूडेड है। ऑफ कोर्स क्रिकेट सिर्फ बैटिंग करके नहीं होगा, आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। लंबे लंबे छक्के मारने आपको, टेक्निक के साथ ऑफ कोर्स ताकत भी लगेंगी। तो बोलते हैं ना पावर गेम, तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के महीने के 20 सेशन है, 3 महीने का कैंप है और ये महीने का बता रहा हूँ, महीने के 20 सेशन है टोटल। उसमें 12 सेशंस आपके स्ट्रेंथ के और 8 सेशंस आपके कंडीशनिंग के। इसके अलावा हाई लेवल वीडियो एनालिसिस के सेशंस है। आप जो भी मुझे कैमरे देखते रहते हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं यूट्यूब से, क्या लेवल के वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ। 20 लाख का क्या वो सेटअप है गाइस, पूरा जो हमारा सेटअप है। 2 सेशंस रहेंगे महीने के आपके वीडियो एनालिसिस के। इसके अलावा आपको पूरा फ्रीडम है क्रिकेट की कोच, जो जनरल फीस है वो माफ़ है, एकेडमी की जनरल कोचिंग फीस माफ़ है आपको। आप दिन भर भी इसके अलावा प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी पूरी जो जनरल बैचेस है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है उस रिगार्डिंग। और इसके अलावा अगर आपको कोई इंजरी होती है, बीच में कुछ होता है, तो उसमें 4 फिजियोथेरेपी सेशंस आपके लिए फ्री है। तो 4 फिजियोथेरेपी सेशंस में आप रिहैब या प्रीहैब जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और बस गाइस इतना था, आई होप कि ये बहुत जो है एकदम सोच के बनाए, काफ़ी समय लगा मेरे को जो प्लान आउट करने में कि ये ऐसे ऐसे तरीके से लड़कों का ज़्यादा आउटपुट निकल सकता है। फीस ज़रूर महंगी है पर एकदम प्रोफेशनली ट्राई किया है कि 3 महीने में सबसे बेस्ट रिजल्ट्स में आप तक कैसे लेके आओ। तो आपका गेम जो पहले बार जो वीडियो एनालिसिस होता है, पहले आए बार आपका एक वीडियो निकाल लेंगे तो आपको रिजल्ट दिखाएंगे हम कि 3 महीने के बाद क्या रिजल्ट्स है आपके। आई होप कि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, जल्दी जुड़ जाइए और प्यार दे ही रहेगा इस, काफ़ी समय से प्यार दे रहे हैं मेरे वीडियोस को। आप नहीं भी जुड़ सकते तो वीडियोस के माध्यम से आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं मुझे। फिलहाल के लिए इतना ही, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।